अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। चिकन से हम चाट बनाना सिखाएंगे आज आपको, यूजिंग डिपिट सॉस एज़ वेल। और आप सोचेंगे चाट तो क्यों, हम सिर्फ चाट क्यों रमज़ान में तो नहीं खाते हैं ना, वैसे भी तो हम चाट खाते हैं टी टाइम पे, तो चाय का वक्त है तो चले हम चिकन चाट बनाएंगे, अ होल मील इन इटसेल्फ। अगर आपको खाना नहीं खाना है, सब कुछ ठंडा ठंडा चाहिए, तो मेक दिस। गर्मी है, सालन खाने का दिल नहीं करता है, तो फिर ऐसी चीज़ें बना के रख लिया करें। चटनियाँ वगैरह आपके पास रेडी हों, ये निमको की चीज़ें रेडी हों, ऑल द क्रंची थिंग्स, तो बस आप छटपट मिक्स करें, डिपेट के सॉस डालें, मैरिनेट करें चिकन को और बना के रख लीजिए। बहुत सारी चिकन ला के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस आप कर दीजिए और उसको अलग अलग पार्सल्स करके या बॉक्सेस में मैरिनेशन के साथ, सॉसेस के साथ आप रख सकते हैं, अदरक लहसुन वगैरह डाल के। और फिर आप जब भी दिल करें निकालें, स्टर फ्राई करें और बना लीजिए, या बॉयल करके बना लीजिए, ठीक है। पहले हम बनाएंगे आज बकलावा केक। नाउ इट्स अ वेरी डिफरेंट केक, ठीक है। बकलावा तो आप लोगों ने खाया होगा फाइलो पेस्ट्री के अंदर, या कुछ लोग पफ पेस्ट्री के साथ भी बनाते हैं, उसमें सिरप भी जाता है, नट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जाती हैं, और बहुत मज़े का बनता है। मुझे बकलावा बहुत पसंद है और बाहर के मुल्कों में बहुत किस्म किस्म के बकलावा डिफरेंट डिफरेंट नट्स के साथ बनाए जाते हैं। तो अगर आपको भी सीखना है तो ये बकलावा केक है, ये दिस इज़ डिफरेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, बकलावा केक का जो फिलिंग है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। एक कप अखरोट है, 3/4 कप उसमें हम ब्राउन शुगर डालेंगे, ठीक है। 1 टेबलस्पून हम उसमें दालचीनी का पाउडर डालेंगे। सी सॉल्ट है 1 चुटकी भर, ये है दानेदार नमक, ठीक है। प्लीज़ ये चीनी नहीं समझिएगा, ये दानेदार नमक है, उसको हम डालेंगे। और 2 ounces हम फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला के, या सॉफ्ट है अभी तो वो इस्तेमाल कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स करके केक के बीच में हमें डालना है, और जिस भी टिन में, डिश में आप बना रहे हों तो उसको आप बीच में रखिएगा, फिलिंग को बीच में रखिएगा, साइडों तक नहीं कर दीजिएगा। वी वांट कि जब आप काटें केक को तो बीच में हो, सो लीव अ लिटिल बॉर्डर, साथ में साइड में जगह रखिएगा, ठीक है। पूरा एंड तक फिलिंग नहीं स्प्रेड कर दीजिएगा। फिर केक के लिए मेरे पास यहाँ 3 कप मैदा है, बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून है, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून है। प्लीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह नापें, तोलें, प्लीज़ ये चमचों का इस्तेमाल नहीं करिएगा, ठीक है। दिस इज़ कटलरी सेट वाले चमचे, उनको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। बेकिंग में हमेशा मेजरमेंट एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप यूज़ करेंगे जो हमारे पास यहाँ मेरे इस सेट पे नहीं है। बेकिंग के जो मैं मेजरिंग कप्स यूज़ करती हूँ, उसके साथ ही मेजरिंग स्पूंस का भी एक सेट आता है, वो आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और इसमें भी थोड़ा सा दानेदार नमक जाएगा। इसके अलावा हम इसमें 1 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालेंगे, 2 अदद अंडे जाएंगे, 4 ounces उसमें फीका अनसॉल्टेड मक्खन जाएगा, दूध जाएगा और इसमें दही भी जाएगा। और उसके अलावा हम वेनिला एसेंस डालेंगे। और अगर आप चाहें, अगर आप टिन में बना रहे हों तो एक्स्ट्रा मक्खन लीजिएगा, उसको आप बिल्कुल ब्रश से पूरा लगा दीजिएगा डिश में, और फिर आप थोड़ी सी चीनी भी डालिएगा ताकि केक के टिन में से आराम से वो निकल आए। शहद जो है वो एंड में हम डालेंगे, और जो मेरे पास यहाँ बादाम पिस्ते हैं वो भी हम ऊपर से डालेंगे, ठीक है, फॉर द डेकोरेशन। सो इट्स अ वेरी सिंपल केक। केक के अज्जा अलग रखिएगा, फिलिंग के अज्जा अलग रखिएगा, तो वो मैं आपको अभी फिलिंग के मिक्स करके रख देते हैं एक जगह, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे शो पे ये सारे सॉसेज हैं डिपिट के, आई जस्ट गो थ्रू देम अगेन, बहुत दिनों बाद आपको बता रही हूँ। इनके मेयोस भी आ गए हैं, मेयोनीज भी है, स्पाइसी मेयोनीज है, गार्लिक मेयोनीज है, एंड चिली गार्लिक सॉस एंड केचप तो इनके सैशेज हैं ही। और मैंगो सीजन में है तो मैंगो हैबेनेरो सॉस है, ज़रूर मैंगो के चंक्स के साथ इसको चिकन के साथ पका के देखिएगा क्या मज़े का बनता है। हैबेनेरो केचप भी है, स्वीट थाई चिली सॉस भी है, इसके अलावा चिपोटले सोया सॉस, टबैस्को हॉट सॉस, हैबेनेरो सॉस, स्मोकी बारबेक्यू सॉस जो मुझे बहुत पसंद, पिज्जा सॉस जो आप पास्ता में भी डाल सकते हैं, और इसी तरह ऑयस्टर सॉस भी है जो आप चिकन की डिशेस में भी बना सकते हैं, डाल सकते हैं। तो जरूर आप भी इस्तेमाल करिएगा और घर लाइएगा और फायदा उठाइएगा, ठीक है जी। नाउ लेट मी मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। 1 कप अखरोट है, ये 1 कप अखरोट है, अच्छी तरह साफ करके देखिएगा उसमें कोई शेल वगैरह ना आए। उसमें आपने ब्राउन शुगर डाल देनी है, 3/4 कप जो है, ठीक है, ब्राउन शुगर। और आपने इसमें चुटकी भर ये दानेदार नमक डालना है, ज़रूर डालिएगा, ठीक है, ये चला गया। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर 1 टेबलस्पून भर के जो है, और था मक्खन, हियर वी गो। मक्खन को मुझे थोड़ा पिघलाना पड़ेगा, मैं माइक्रो में डाल के मक्खन को पिघला दूंगी। 2 ounces जितना मक्खन आपने लेना है फॉर द फिलिंग, ठीक है। ये हम
अवन को प्रीहीट करना ज़रूरी है। फोटाइल का हम अवन यूज़ कर रहे हैं, आप भी घर लाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का कोई इलेक्ट्रिक अवन चाहिए तो फोटाइल इज़ द बेस्ट, ठीक है। इनके गैस के भी हैं मगर हमारे पास यहाँ इनके इलेक्ट्रिक अवन हैं। इस वाले सेट पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वहाँ मेरे पास वी आर यर बिकॉज कोविड की वजह से वी आर ऑन वर्किंग फ्रॉम वन सेट। अच्छा जी, तो 2 ounces पिकन सॉल्टेड मक्खन है, चुटकी भर दानेदार नमक है, 1 tablespoon भर के दालचीनी का पाउडर है, 3/4 cup ब्राउन शुगर है और 1 cup अखरोट है। ये सारा कुछ इसमें चला जाएगा। एंड वेयर इज माई स्पैचुला, सब कुछ मिक्स करना है आपने। हियर वी गो, ये बीच में जाएगा। आप अखरोट भी डालें, बादाम डालें। अच्छा, जब तक इसको हम मिक्स करके यहाँ रख देते हैं, आपको समझ आ गया फिलिंग में क्या जाएगा। केक के अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग आएंगे ब्रेक से तो फिर मैं सारे मिक्स करके नीचे थोड़ा केक का बैटर, फिर बीच में फिलिंग, फिर दोबारा केक का बैटर और बेक करने रख दूँगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज। मैं बना रही हूँ बकलावा केक और मैंने अखरोट वाला फिलिंग जो कर दिया था वो यहाँ रख दिया है, रेडी है, ठीक है। 4 ounces आपने पीकान सॉल्टेड मक्खन लेना, इतनी गर्मी है पिघलने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इसको पिघलाने की ज़रूरत नहीं है, ये पिघल चुका है। 2 अदद अंडे इसमें जाएंगे, 1 cup चीनी जाएगी इसमें और हम 1.5 cup जितना दूध शामिल करेंगे और 1/2 cup जितना इसमें दही जाएगा। वेनिला एसेंस है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, दानेदार नमक और मैदा, एवरीथिंग विल बी मिक्स टुगेदर। एक लेयर हम डालेंगे केक की, उसके ऊपर ये फिलिंग आएगा बीच में, लेकिन साइडों से थोड़ा बचा के, ठीक है, ताकि साइड से गिरे ना। आई एम यूजिंग अ पायरेक्स डिश, आप लोग टिन में जब बनाएं तो खास ख्याल रखिएगा कि साइडों तक आप फिलिंग नहीं करिएगा, बस बीच में फिलिंग आए और फिर ऊपर दूसरा केक का बैटर आए, देन बेक इट। सो अब हम झटपट इस पर काम करेंगे। 1 cup चीनी भी है सफ़ेद वाली, वेनिला एसेंस जाएगा। अब मैदे के अंदर ड्राई चीज़ें सारी डाल देते हैं। हियर गोज़ इन द बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ठीक है, छान के मैं लेके आई हूँ, ठीक है, आप लोग प्लीज़ छान के यूज़ करिएगा। और दानेदार नमक, ठीक है, और दूध और दही। लेट्स पुट दिस ऑल हियर। And dahi, दूध पहले सब नहीं डाल दीजिएगा, मिक्स करिएगा एंड देन, एकदम से दूध डालने से पतला नहीं हो जाए बहुत बैटर, ठीक है। रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। हमारा शो रात में 9:30 बजे रिपीट होता है, अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो रात में ज़रूर देख लीजिएगा। फोटाइल के अवन में हम बेकिंग करते हैं और आप लोग भी अगर अवन ढूंढ रहे हों, इट्स द बेस्ट अवन इन टाउन। थोड़ा मिक्स किया, आपने देखा कि गाढ़ा है, और थोड़ा आपने दूध डाला, पहले से एकदम से नहीं डाल देते हैं दूध, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, जस्ट अ जेंटल मिक्स। दूध जाएगा इसमें, 1.5 cup ही दूध जाएगा, ठीक है। केक बहुत डेंस हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें मैदा डालने के बाद बीटर चलाते हैं। समटाइम्स आई फॉरगेट व्हाट आई हैव टू से, वेरी रेयर बट समटाइम्स आई डू। चलें अब हम एक ब्रश लेंगे। हमारी टीम क्या कर रही है आज, व्हाट्स आवर टीम अप टू? टोटली इग्नोरिंग मी, हाँ द टीम,
ओके, आप चाहें अगर टिन में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी आप चीनी डाल सकते हैं. नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से मुझे बहुत वो है कि ज़रा भी कुछ भी वेस्ट नहीं हो, बीटर में कुछ रह नहीं जाए. सो पिक योर बीटर अप और छुरी से ना ज़रा थोड़ा सा इसको आप इस तरह कर लें. नट की, कोई भी नट की आप फिलिंग कर सकते हैं. मैंने वॉलनट्स का इस्तेमाल किया है, अखरोट, और आप कर सकते हैं बादाम, पिस्ते, व्हाटएवर, चॉप करके भी डाल सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं. जी कोई कॉलर तो नहीं है? आप लोग हमारा नंबर चला रहे हैं कि नहीं? आज कोई कॉलर्स नहीं आ रहे डायरेक्टर साहब? आई थिंक सब घर चले गए मुझे भूल के. मुझे छोड़ दिया है अकेला, मुझे कह दिया है बस आज आप खुद शो कर लें और घर चली जाइएगा. ठीक है जी, कॉलर्स को मैं याद करती हूँ तो कॉल आती है ना जी. कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रही हैं? जी मैं सिमी बात कर रही हूँ, डीजी खान से. जी फरमाइए. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच, फरमाइए. और आपकी चीज़ें ट्राई करती हूँ. मैंने आपका ज़िब्रा केक बहुत दफ़ा ट्राई किया, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा बना है. अच्छा जी, थैंक यू सो मच. और इसके अलावा पिज़्ज़ा वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्राई करती रहती हूँ. थैंक यू सो मच जी. मुझे आपसे कुछ फरमाइश करनी थी. जी ज़रूर बोलें. आपने पहले भी बनाया था फोर सीजन पिज्ज़ा, वो आप दोबारा बता देंगी? अच्छा, पिज्ज़ा का डो और बेस और सॉस तो मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ. चार में डिवाइड कर दीजिएगा और उसमें आप डिफरेंट फिलिंग्स रख दीजिएगा, बस टॉपिंग्स रख दीजिएगा, चीज़ डालें, बेक कर दें. कोई से भी आपको कुछ भी डालना हो कराएंगे आपके लिए दोबारा. ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़. ओके, ये जो फिलिंग है जिसमें हमने ब्राउन शुगर और अखरोट, दालचीनी, दानेदार नमक और पिघला हुआ मक्खन था, उसको आपने यू हैव टू जस्ट पुट इट हियर एंड देयर, मगर बीच में ही रखना है इसको, ऊपर आपने साइडों पे नहीं डाल देना है. ठीक है, आप अखरोट को चॉप भी कर सकते हैं. साबुत मैंने रखे हैं आज, थोड़ा सा ज़रा चंकीयर वर्जन, और आधा बैटर नीचे, आधा बैटर आपने इसके ऊपर डालना है. हमारा पेज है फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से. 5 लाख मेंबर्स जो हो गए हैं वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटोज़ सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको तमाम वहाँ रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं. ठीक है जी, तो वहाँ से फ़ायदा उठाइए, सारी रेसिपीज़ देखिए, बनाइए, और हमें भी फीडबैक दीजिए और बताइए अगर आपने कोई रेसिपीज़ में कुछ चेंजेस किए, अपनी तरफ से कुछ ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ओमिट किया, तो पता हमें भी चलना चाहिए कि किस तरह आप लोग नेमुल बदल को इस्तेमाल किया, सब कुछ बताइएगा हमें. ठीक है, और प्लीज़ अ जेंटल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज फैंस एंड व्यूअर्स जो मुझे तंग करते हैं, प्लीज़ मुझे तंग करना छोड़ दीजिए ना प्लीज़. वैसे ही हम लोग इतने सताए हुए हैं, इतने हम लोग वैसे ही कोविड से परेशान हैं, तो प्लीज़ रात दिन मैसेज नहीं करें. थैंक यू सो मच. रात दिन हम जवाब नहीं दे सकते ना आपको, हमारी भी कोई लाइव्स हैं, हम भी खाते पीते हैं, सोते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नहाते हैं, आपकी तरह ही है ना नॉर्मल हम भी, तो हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम अपने फैंस को पूरा टाइम बस मैसेज करते रहें क्या. ठीक है जी, एंड दिस इज़ गोइंग टू गो इन द ओवन, फोटाइल के ओवन में. जब ये बेक होकर निकलेगा तो इसके ऊपर हम ड्रिजल कर देंगे, शहद और बादाम पिस्ते डाल देंगे, एंड योर बकलावा केक इज़ गोइंग टू बी रेडी इन नो टाइम. ज़रूर ट्राई करिएगा. और इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करेंगे, चिकन चाट की रेसिपी बनाएंगे, चिकन को किस तरह पकाएंगे हम सॉसेज में, वो आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और हमारे साथ रहिएगा. स्टे ट्यून्ड. जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज. अब चिकन चाट की तरफ आ जाते हैं, और उसके लिए देखें चाट में आपको जो भी डालना हो, हमेशा दही तो मैं डालती हूँ, और सेवैयाँ हैं, आई लाइक समथिंग क्रंची ऑन टॉप, छोटी पापड़ी है, क्रश करके यूज़ कर दीजिए, या पूड़ियाँ हो वो क्रश करके डाल दीजिए. 3 चटनियाँ तो हमेशा मेरे यहाँ चाट में होती हैं. अब ये है हरी चटनी, दिस इज़ अ पारसी स्टाइल ऑफ मेकिंग ग्रीन चटनी, वेरी सिंपल, बहुत आसान है. एक ब्लेंडर लीजिए, उसके अंदर एक गट्ठी आप
हरा धनिया डाल दीजिए, एक घट्टी पुदीना डाल दीजिए, ठीक है, तीन चार लहसुन के जवे डाल दीजिए और ज़ीरा डालें, लेमन जूस डालें या सिरका डालें, थोड़ा सा पानी डालिएगा, बहुत सारा पानी नहीं डालिएगा, बहुत पतली हो जाएगी। और ब्लेंड जब करते हैं उस वक्त पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालते, वैसे ही चटनी बहुत पतली हो जाती है। एंड नमक डालिएगा, ज़ीरा पाउडर डालिएगा एंड देन जस्ट ब्लेंड इट टुगेदर। और हरी मिर्चें जाती हैं इसमें, उसके अलावा खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का जो बुरादा होता है, अलग से छोटे ग्राइंडर में पीस के फिर वो डालिएगा ताकि आपकी चटनी बहुत स्मूद हो। और फिर इस चटनी को बहुत सारे डब्बों में रख के फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब भी थोड़ा थोड़ा कुछ भी इस्तेमाल करना हो, हरे पत्ते वाली ग्रीन पात्रानी मच्छी जो हम बनाते हैं, फिश एंड बनाना लीव्स, उसमें मैं यही लगा लेती हूँ, या फिर किसी चाट में डालना हो या सैंडविच के ऊपर लगाना हो तो ये चटनी फिर काम आती है। इतनी सी चटनी कौन पीसने बैठेगा ना, तो एक बड़े बैच में पीस के फ्रीज कर दीजिए। तो ये बिल्कुल सिंपल ग्रीन चटनी है। ये जो है, दिस इज़ लाल वाली जो मिर्चें आती हैं बड़ी वाली कश्मीरी रेड चिलीज़, उनको मैं गर्म पानी में सोख करके रख देती हूँ और उनको फिर मैं उसका जो स्टॉक होता है, डंडी होती है, उसको तोड़ दीजिएगा और झटक दीजिएगा तो अंदर से सारे बीज निकल आएंगे। आई डोंट वांट द बीज, ठीक है। उसमें आप दो तीन लहसुन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 250 ग्राम्स लिए, ये बहुत सारी मिर्चें हो जाती हैं, 250 ग्राम्स बहुत हल्की होती हैं, वो आप गर्म पानी में भिगो के रख दीजिए, फिर उनको आप चटक के बीज निकाल दीजिए, ब्लेंडर में डाल दीजिए उसी के पानी के साथ, ठीक है। और फिर आप उसमें एक पूरा जवा लहसुन का पूरा पॉड, उसको आप छील के वो डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और उसको आप ब्लेंड कर दीजिए। तो ये तीन अज्जा के साथ ये चटनी बन जाती है। इन सारी चटनियों को बना के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये है हमारी गुड़ इमली की चटनी, इसमें आप खजूर भी डाल सकते हैं। बहुत दफ़ा रमज़ान में बनाना सिखा चुकी हूँ, वैसे मैं बनाना सिखा चुकी हूँ। गुड़ यानी कि जैगरी लीजिएगा, उसको कूट लीजिएगा, ठीक है, उसको आप एक पतीली में रख दीजिएगा। और इमली लीजिएगा यानी टैमरिंड, हमारे यहाँ तो इमली का जूस भी मिलता है, आप वो भी डाल सकते हैं टू सेव अप ऑन टाइम, लेकिन मैं उसको स्क्रैच से बनाती हूँ, इमली से। तो इमली का पूरा एक पैकेट आता है, वो आप 250 ग्राम्स का आप वो डाल दीजिए उसके बीज समेत, ठीक है, गर्म पानी में भिगो के। और फिर उसको आप एक उबाल आने दीजिए, उबाल आ जाए उसमें खजूर डाल दीजिए, नमक डालिए, चीनी डालिए, लाल मिर्चों का पाउडर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर, ठीक है, वो डालिएगा। अदरक नहीं डाल दीजिएगा, ड्राई जिंजर पाउडर मिलता है लोकल ब्रांड का, बहुत अच्छा, वो डाल दीजिएगा। और आप उसको पकने दीजिए, जब ये गाढ़ी हो जाएगी तो आप उसको छान लीजिए। मैं दो दफ़ा इसको छानती हूँ टू इंश्योर के बिल्कुल बीज ना आए या गुड़ का कोई टुकड़ा या कोई कचरा ना आए। और फिर आप इसको ठंडी करके बॉटल में रख दें, एक दो महीने आपके फ्रिज में ये ख़राब नहीं होगी। सो ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा। ये सारी रेसिपीज़ पहले मैं करा चुकी हूँ शोज़ पे, इसलिए मैंने ये तीनों चटनियाँ आज नहीं बनाई। फिर इस चाट में हम चाट मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, निमको की जो भी चीज़ें आपको डालनी हो फॉर द क्रंचीनेस, पूरी, पापड़ी, सेव वगैरह, और आप फिर उसमें दही शामिल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चिकन को मैरिनेट करना है और थोड़े से तेल में हमें उसको पकाना है। सो हियर गोज़ आवर डिप इट चिली सॉस, शेक शेक शेक, चटपटा सा बनाएंगे, ठीक है। और ये आपने इसमें डाल दिया, मैरिनेशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई सॉसेस डालने हो चाट में वो भी आप डाल सकते हैं। फिर इसमें हम लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, और ज़ीरा पाउडर जाएगा, गरम मसाला पाउडर जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और आपको पता है नमक में मैं कभी भी किसी भी और मसाले का चम्मच नहीं डालती हूँ, फिर वो बहुत उसमें सारे मसालों का रंग आ जाता है। नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, और अगर आपको पेस्ट फॉर्म में डालना है तो आप मिर्चों का पेस्ट बना के डाल दीजिएगा। हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी, डिपेंड्स हाउ स्पाइसी यू वांट इट, ओके। चटपटा अच्छा लगता है बिकॉज फिर दही वगैरह आ जाएगा और चटनियाँ हैं तो बहुत ही वो बैलेंस आउट हो जाएगा। बहुत थोड़ा सा तेल लेंगे हम और इस चिकन को पका लेंगे, वेरी सिंपल। ऐसे चिकन पक के आपने छोड़ा हो तो जल्दी से चाट बन भी जाती है। मैरिनेशन का आप टाइम दीजिएगा, इफ़ यू वांट टू मैरिनेट, मैरिनेट इट फॉर अ वाइल। दो चिकन ब्रेस्ट हैं जी, कॉलर है हमारे साथ, कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से जी? मैं महकाल बोल रही हूँ, डीजी खान से। अच्छा, सबसे पहले अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, मुझे अपनी आवाज आ रही है, कहीं लाइन कट ना जाए प्लीज। जी मेरा एक सवाल था। जी फरमाइए। मैंने वो केक का टाइम पूछना था, हम मेरे घर जो ओवन है ना उसके अंदर ना वो जो टेम्परेचर है वो मीडियम लो हाई इस तरह से, तो उसके मुताबिक बता दे कि टेम्परेचर कितना रखूं केक के लिए, मीडियम आज का हम केक रखेंगे अंदर। मीडियम
मीडियम में और आधा पौना घंटा लगता है, पौने घंटे के बाद आप स्कूअर यानी कि इस तरह की कोई स्कूअर या स्टिक या टूथपिक कुछ भी डाल के, छुरी डाल के आप देख लीजिएगा, साफ निकलना चाहिए, ठीक है। और बाकी केस के लिए भी यही रखूं? जी बिल्कुल, मीडियम ही। ओके ठीक है मैम। मेरा छोटा भाई आपका बहुत बड़ा फैन है। अच्छा जी जी, वो आपकी मुस्लिम रेसिपीज ट्राई करता रहता है, उसका नाम सकलैन इमाम है। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाय बोल दे। हेलो कैसे हो आप, इसी तरह हमारा शो देखिएगा और रेसिपीज हमारी ट्राई करिएगा, ठीक है जी, शुक्रिया, थैंक यू। ओके, बोनलेस चिकन ले लीजिए या चिकन ब्रेस्ट ले लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें डालें, हरी मिर्चों का पेस्ट या हरी मिर्चों का सॉस भी मिलता है, लाल मिर्चों का पाउडर डाला था, ज़ीरा पाउडर था, नमक था और हमने इसमें थोड़ी कुटी हुई काली मिर्चें डाली थी और गर्म मसाला पाउडर। चिकन को आप पका लीजिए, एक आध टेबल स्पून तेल में, ठीक है, ज़्यादा तेल नहीं। और जब तक हम चिकन पका रहे हैं, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। वेलकम बैक। कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए हैं, बहुत सारे लोग घर में बैठ के खाना बना रहे हैं, तो फूड पैंडा के थ्रू भी आप घर में बैठ के कमा सकते हैं। जो ऐप है फूड पैंडा का, वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कराइएगा। और होम शेफ है, जहाँ से मैंने भी थोड़े अरसे पहले खाना मैं भी बेचती थी जब घर से, तब मैंने भी उनके थ्रू भी बेचा था खाना। सो वेरी गुड रिस्पॉन्स आया था, आप भी घर में बैठ के उस तरह कमा सकते हैं एंड फ़ायदा उठाइए इस ऐप का और ज़रूर ट्राई करिए। होम शेफ़ के नाम से वहाँ जाके आप अपने लिस्ट बना दीजिए ऑफ थिंग्स दैट यू मेक, तस्वीरें अच्छी सी वहाँ लगा दीजिए और फिर आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आप लोगों को भी इसी तरह कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो केक इज़ डन, अब देखें मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि केक का जो टेम्परेचर है, अवन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा अवन हो उसका टेम्परेचर और केक के डिश का साइज़ बहुत ज़रूरी है बेकिंग में। अगर मैंने छोटा 6 इंचेस का टिन लिया होता तो 1 घंटे से ऊपर लगता बिकॉज इसका बैटर इतना डीप होता। अब बिकॉज मुझे 1 घंटे के शो में आपको ये बेक करके दिखाना होता है तो मैंने एक फैला हुआ बड़ा डिश लिया है इस तरह का, तो जाहिर है फिर बैटर इतना पतला है तो इतना पतले बैटर को बेक होने में टाइम नहीं लगता है ना। तो नीचे मैंने थोड़ा सा बैटर डाला, ऊपर फिलिंग डाला और उसके ऊपर दोबारा और बैटर डाला और ये केक बिल्कुल रेडी हो गया है आपके सामने। स्कूअर मैंने डाल के चेक कर लिया था। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जब भी इस तरह के कोई फिलिंग हो, ठीक है, स्कूअर अगर आप बीच में डालेंगे तो बाज़ वक्त गीला आएगा, अभी नहीं आया, अभी हो गया है, तो साइडों से चेक कर लीजिएगा। इट्स डन, द केक इज़ डन, द केक इज़ रेडी। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है, आपने इसके ऊपर ड्रिजल करना है शहद और बादाम पिस्ते डालने हैं, यू बकलावा केक इज़ रेडी। अब आप खाएंगे जब, तो नीचे और ऊपर केक का लेयर है और फिर बीच में वो फिलिंग है, बहुत ही मज़ेदार सा। सो व्हाट यू डू इज़ यू ड्रिजल योर शहद ऑन टॉप, ये हनी चला गया ऊपर, फोटाइल के अवन में हमने इसको बेक किया है, बेहतरीन अवन्स हैं अगर आप अवन ढूंढ रहे हैं, सो दैट इज़ व्हाट आई विल रेकमेंड, ठीक है। ये हो गया, अब हमने इसके ऊपर थोड़े से ऐसे करके बादाम पिस्ते डाल दिए एंड रेडी। अब आप इसको टी टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऑल द टाइम चॉकलेट के केक्स और इस तरह के हैवी केक्स अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये टी टाइम का केक बहुत ही बेहतरीन है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, चिकन जो हमने पकाई थी और मैरिनेशन में हमने चिली सॉस डिपिट का डाला था, ये देखें चिकन इज़ रेडी। इसको मैं यहाँ प्लेटर पे रख देती हूँ पहले, ठीक है, थोड़ा सा आप ठंडा करिएगा बिकॉज चाट में यू डोंट नीड गरम। दही है, थोड़ा सा दही हम ऊपर डालेंगे, यू कैन डू 2 लेयर्स ऑल्सो, कोई भी क्रंची चीज़ डालनी हो वो आप सेव वगैरह डाल दीजिए। फिर चटनियों का वक्त आता है, ये बहुत तीखी चटनी है, ठीक है, सो
डिपेंड्स आपको कितना स्पाइसी चाहिए। फिर ये वाली जो चटनी है इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, बिकॉज ये गुड़ इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार सी मीठी सी है। और हम दोबारा थोड़ा सा दही डालेंगे। ग्रीन चटनी जाएगी। अगेन सम सेव, थोड़ा सा लेयर करेंगे। और ये उस वक्त करिएगा असेंबल जब आप खाने के लिए रेडी हों, ठीक है? करके नहीं रखिएगा, वरना ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉगी। अगेन सम दही। और पूरियां, पापड़ी, वट एवर यू वॉन्ट, लिटिल बिट ऑफ मोर गुड़ इमली की चटनी एंड सम धनिया ऑन टॉप एंड दिस इज़ रेडी। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये रेसिपी, बहुत ही आसान है। चिकन बना के रख दीजिएगा और इसी तरह आप ट्राई करिएगा। वक्त है क्या अभी? हियर वी गो। ठीक है, रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, बनाइएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा और ज़रूर रात में देख लीजिएगा शो 9:30 बजे। अगर अभी आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो रात में फॉलो अप ऑन आवर शो इन द रिपीट टाइम। और कल भी मैं हाज़िर हो जाऊंगी 3:30 बजे लाइव, तो देखिएगा मेरा शो और रेसिपीज ज़रूर ट्राई करिएगा। तो एक ब्रेक है क्या और अभी? ओके, वी टेक अ ब्रेक। ठीक है, वी क्लीन अप, टेक अ ब्रेक और आके मज़ीद आपसे बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा। बकलावा केक, फिलिंग के अज्जा, चॉप्ड अखरोट 1 कप, ब्राउन शुगर 3/4 कप, दालचीनी 2 चाय के चमचे, सी सॉल्ट 1 चुटकी, पिघला मक्खन 2 औंस। केक के लिए मैदा 3 कप, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, सी सॉल्ट 1/4 चाय का चमचा, चीनी 1 कप, अंडे 2 अदद, पिघला मक्खन 4 औंस, दूध 1.5 कप, दही 1/2 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, इजाफी चीनी और मक्खन पैन के लिए शहद 1/2 कप। तरकीब, फिलिंग के लिए चॉप्ड अखरोट, ब्राउन शुगर, दालचीनी, सी सॉल्ट और पिघला मक्खन अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर दूसरे बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सी सॉल्ट मिला दें। उसके बाद चीनी, अंडे और पिघला मक्खन अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें दूध, दही और वनीला एसेंस शामिल करके मिक्स करें। फिर मैदे का मिक्सचर डालकर इतनी देर मिक्स करें कि मिक्सचर एक जान हो जाए। उसके बाद केक टिन पर मक्खन लगाकर चीनी डालें और इजाफी चीनी निकालें। अब आधे केक बैटर को टिन में शामिल करके फिलिंग डालें, फिर ऊपर से बाकी केक बैटर शामिल कर दें। उसके बाद इसे अवन में 180°C पर 45 मिनट बेक कर लें। अब केक को निकाल कर ठंडा करें। आखिर में सर्विंग से पहले शहद ड्रिजल करके सर्व करें। चिकन चाट अज्जा, बोनलेस चिकन क्यूब्स में कटी 250 ग्राम, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1/2 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1/2 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1/2 चाय का चमचा, नमक हसब जायका, दही 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, तेल 1 से 2 चाय के चमचे। बाकी अज्जा, दही 1.5 कप, इमली की चटनी 2 खाने के चमचे, धनिया और पुदीने की चटनी 2 खाने के चमचे, निमको सेव 2 खाने के चमचे, पापड़ी 6 से 7 अदद, नमक हसपे ज़रूरत, काली मिर्च हसपे ज़रूरत, चाट मसाला पाउडर हसपे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब, बोल में बोनलेस चिकन, अदरक लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, पिसा गर्म मसाला, नमक, दही और चॉप्ड हरा धनिया डालकर चिकन मैरिनेट कर लें। फिर तेल गर्म करके मैरिनेट चिकन तेज़ आंच पर इतनी देर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसे एक तरफ रख कर ठंडा कर लें। उसके बाद बोल में पकी चिकन 1 कप, दही 1 खाने का चमचा, इमली की चटनी और 1 खाने का चमचा धनिया और पुदीने की चटनी शामिल करके मिक्स करें। फिर नमक, काली मिर्च और चाट मसाला हंस पे जायका डाल दें। अब चिकन के मिक्सचर को सर्विंग प्लेट में निकाल कर ऊपर से आलू की भुजिया या निमको सेव, फ्रेश पापड़ी, चॉप्ड हरा धनिया, बाकी दही, इमली की चटनी और धनिया और पुदीने की चटनी शामिल कर दें। आखिर में चाट मसाला और पिसा ज़ीरा छिड़क कर सर्व करें।
चिकन चाट अट्सा बोनलेस चिकन क्यूब्स में घटी 250 ग्राम, अदरक लहसुन एक चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट एक चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हसब जायका, दही एक खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया दो खाने के चमचे, तेल एक से दो चाय के चमचे, बाकी अज्जा दही डेढ़ कप, इमली की चटनी दो खाने के चमचे, धनिया और पुदीने की चटनी दो खाने के चमचे, निमको सेव दो खाने के चमचे, पापड़ी 6 से 7 अदद, नमक हंस पे ज़रूरत, काली मिर्च हंस पे ज़रूरत, चाट मसाला पाउडर हंस पे ज़रूरत, चॉप्ड हरा धनिया गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। चाट मसाला रह गया था एंड व्हाट इज़ चाट विदाउट चाट मसाला, सो वो आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिएगा एंड देन दिस लवली चाट इज़ रेडी। आप इसको एज अ मील भी खा सकते हैं बिकॉज इसमें चटनी है, दही है, क्रंची चीज़ें हैं, चिकन है, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू डू। और आप इसको खा सकते हैं शाम की चाय के साथ भी। ओके जी, सो बकलावा केक इज़ रेडी, ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और इसी तरह बनाइएगा और थोड़ा सा ठंडा हो उसके बाद आप क्यूब्स में काट के, स्क्वायर्स में काट के सर्व कर सकते हैं। रेसिपीज ट्राई करिएगा रात में 9:30 बजे शो मेरा रिपीट होता है तो उस वक्त देख लीजिएगा। वैसे मैं लाइव हूँ पीर से जुमा मंडे टू फ्राइडे, फूड डायरीज इज़ लाइव विथ यू 3:30 से 4:30 दोपहर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉल्स एंड योर मैसेजेस, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हम सारे मैसेजेस खुद ही आपको रिप्लाई करेंगे, मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपको रिप्लाई करेगा। सो ऑल दोज पीपल हु आर राइटिंग इन द इनबॉक्स, मैंने पढ़ लिए हैं सारे मैसेजेस, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा हमारे साथ। चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।